यार तुम दुल्हन के कपड़े पहन के क्यों आए? अब आप सब खाना शुरू कर रहे हैं, मैं भाजी जी को बुला के लाती हूँ। ठीक है बेटा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं करना चाहती हूँ तुमसे शादी, तो हमारा अगला कदम शादी तो होना चाहिए। पहना दो मुझे मंगलसूत्र। मंगल लक्ष्मी सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हमें देखने को मिला था कि भाई इस बार फाइनली हमारी लक्ष्मी के सामने कार्तिक की सारी सच्चाई आ गई थी। इस बार कार्तिक ने उसे सारी बातें बता दी थी कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता, उसने लेटर लिख के भी बताया था, लेकिन उन दोनों के बीच किसी ने साजिश रची है जिसकी वजह से वो दोनों बात नहीं कर पाए और उनकी बातें क्लियर नहीं हो पाई, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई और यहाँ पर लक्ष्मी को पता चल चुका है कि भाई कार्तिक उससे शादी नहीं करना चाहता। स्वामी तुम मंगल सूत्र पहनो। सॉरी, कुछ नहीं कर सकी, मैंने दीदी को सब बता दिया था, पर वो पर क्या बोलो ना, क्या मंगल भाभी ने तुम्हारी सुनी बात सुनी कर दी और इसी के साथ साथ वो किसी और से भी प्यार करता है। और ये सारी बातों को जानने के बाद भाई हमारी बेचारी लक्ष्मी मैडम का पूरा दिल जो है वो चकनाचूर हो चुका है। इसी के साथ आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देख रहे थे कि भाई यहाँ पर लाख कोशिश करने वाली है लक्ष्मी, मंगल को ये सारी बातें बतानी चाहती है वो, लेकिन यहाँ पर उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा कि वो सारी सच्चाई को मंगल के सामने कह पाए। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई या फिर तुमको धमकी दे, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मुझे बहुत गलतफहमी नहीं चाहिए। What? Please बताओ, हुआ क्या है? पर जब मंगल लक्ष्मी को सजा रही होती है, उसे जोड़ा पहना रही होती है, उसे सारी ज्वेलरीज पहना रही होती है, इसी बीच यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए लक्ष्मी सारी सच्चाई मंगल को बताने वाली होती है। और जब वो बता रही होती है तो लाइट चली जाती है और इसी बीच यहाँ पर एक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई जहाँ पर लक्ष्मी जो है सारी बातें बता रही होती है और लाइट्स ऑन जैसे होती है तो वो देखती है कि वहाँ पर मंगल नहीं बल्कि अदित है। जी हाँ, ये सारी बातें इस बार अदित सुन लेगा। इसी के आपको दादी दादी बुलाओ कि मौसा मौसी? कार्तिक जी, मैं आपको कैसे बताऊं कि ये शादी बहुत बड़ी मजबूरी में मुझे करनी पड़ी। साथ हम देखने वाले हैं कि भाई इस बार अदित हमारी लक्ष्मी को धमकी देते हुए नजर आएगा। वो कहेगा कि अगर तुमने इस बार कार्तिक से शादी नहीं की तो मैं मंगल के साथ डिवोर्स कर लूंगा। जी हाँ, इस बार हो सकता है कि लक्ष्मी अदित के डिवोर्स में आकर कार्तिक से शादी कर लेगी। इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिलने वाला है कि भाई इस बार सच में कार्तिक और लक्ष्मी की शादी होने वाली है, क्योंकि एक नया प्रोमो सामने आया जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई कार्तिक और लक्ष्मी जो है दोनों मंडप पर फेरे लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच यहाँ पर कार्तिक उसे मंगल सूत्र भी पहना रहा है। तो यहाँ पर ये देखकर लग रहा है कि भाई इस बार लक्ष्मी और कार्तिक की शादी हो जाएगी। ये प्रोमो देखकर ये तो कह ही सकते हैं कि भाई इन दोनों की शादी तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का रोमांस तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कार्तिक ने ऑलरेडी लक्ष्मी को सारी बातें बता दी थी, उसके बावजूद लक्ष्मी ने उससे शादी कर ली। तो हो सकता है फिलहाल आने वाले एपिसोड में इन दोनों का प्यार नहीं बल्कि इन दोनों की नफरत की कहानी देखने को मिलेगी।